हाय एवरीवन, उदय दिस साइड। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट वीक वाले स्टॉक्स का रिव्यू करते हैं, देन हम फ्रेश इंटरेस्टिंग स्टॉक्स देखने वाले आने वाले टाइम के लिए। लास्ट वीक मैंने डिस्कस किया हुआ था आपके साथ KEC, फिन पाइप एंड मारिको। फर्स्ट ऑफ ऑल फिन पाइप की बात करते हैं, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैं एनालिसिस किया था और आपको मैंने डिस्कस करके बताया था, और एग्जैक्टली इसने टारगेट हिट करा। अगर मैं आपको बताऊँ ना, इस वाले हाई का हमारा पहला टारगेट था, मैंने आपको क्लियरली बोला था एग्जैक्टली इसका हाई आप देखेंगे, सेम हाई लगा के आया। एनालिसिस तो मैंने इधर बता दिया था यूट्यूब पर, और जब ये टारगेट आने वाला था तो मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था। अगर आप मेरे टेलीग्राम पे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो फिन पाइप बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, एंड मारिको को इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने डिस्कस किया हुआ था लास्ट वीक, और ये वीकली टाइम फ्रेम है, एंड आप देखेंगे उससे थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रही है। मारिको इज लुकिंग गुड क्योंकि इसमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट का सेटअप था। और हाँ, फिन पाइप की मैं बात करूँ तो पहला टारगेट तो हमारा आ चुका है, अभी वहां पर अगर सस्टेन करता है देन हम फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं। वो लाइव में देखने वाली बात होगी क्या ऊपर प्राइस सस्टेन करता है या नहीं। दिस इज द चार्ट ऑफ KEC इंटरनेशनल, और इस पर्टिकुलर कैंडल पे मैंने डिस्कस किया होता, ये सेकेंड डे एक्टिवेट होकर थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आया है अभी, तो ये अभी रिटेस्ट के लिए आया है। कोई भी ब्रेकआउट होता है ना, आपको पता ही है, ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट का कई बार रीटेस्ट होता है। इधर जैसे ये ग्रीन कैंडल बनेगी और थोड़ी सी यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखनी चाहिए, देन हम रेस्ट हाफ क्वांटिटी यहाँ पे डालेगा, ये जब एक कंफर्मेशन के बाद। लास्ट वीक बहुत अच्छा रहा, फिनोलेक्स केवल ने अच्छा परफॉर्म करा, और ये अभी दोनों कंसोलिडेट कर रहा है। सो अब ना हम फ्रेश स्टॉक्स देखते हैं, बट इससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यहाँ पे कोई भी डिस्कशन जो मैं करता हूँ ना, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लेंगे। फर्स्ट पिक जो मैंने आपके लिए लाया है PFC, और आप लोगों को पता है जैसे कि PSU में काफी दिनों से रैली है। दिस इज द चार्ट ऑफ PFC ऑन डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पर ना एक अप ट्रेंड था, वॉल्यूम बड़े ह्यूज है, ऑफकोर्स क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी में इतनी तगड़ी बाइंग की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम तो ह्यूज है, बट इसमें ना एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है अभी। इस पर्टिकुलर लेवल को अभी ये निकाल रहा है और सेंडिंग ट्रायंगल सेटअप बन रहा है, बहुत ही सिंपल सेटअप है। अगर मैं आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके बताऊं तो कुछ नहीं दिखेगा, एक बहुत पहले ही इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद एक रैली देने के बाद, एंड यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। अभी इसने फ्रेश ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है, मेरे को इस वजह से अच्छा लग रहा है क्योंकि PSU में रैली है अभी। इसमें प्लान कैसे करना है, अगर हाई ब्रेक करते हैं अभी पर्टिकुलर कैंडल का तो हमें अपना हाफ क्वांटिटी के साथ पहले इनिशिएट करना है, एज वी नो रिटेस्ट के लिए आ सकता है, मे बी रिटेस्ट के लिए जब आएगा, अगर हम यहाँ पे प्लान करेंगे तो इस कैंडल का लो हमारा SL होने वाला है, और अगर रिटेस्ट के लिए आएगा यहाँ पर तो ग्रीन कैंडल बनेगी, तभी उसके हाई पे एंट्री लेना है, एंड इस स्विंग लो का हमारा SL होने वाला है उस टाइम पे। तो देखने वाली बात है कि कैसे परफॉर्म करता है ये। मैं ट्राई करूंगा आपके, मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूं आप लोगों के लिए, एंड टारगेट जो इस रेंज का टारगेट आप पहला टारगेट ले सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हैं, जो कि मैं करता हूं। इसमें क्या होगा कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स होने के चांसेस होंगे। सेकंड पिक जो मैंने आपके लिए लाया है अमराजा बैटरी, एंड इसका सिंबल ऐसा कुछ है, यहाँ पे अगर ट्रेडिंग व्यू आप यूज कर रहे हैं तो ये एंड की जगह आपको अंडरस्कोर डालना है, कोई स्पेस नहीं, देन वो आ जाएगा सिंबल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसमें एक डार्वस बॉक्स पैटर्न सेटअप है, बेसिकली ट्रेड सेटअप तब अच्छा काम करता है, एक अप ट्रेंड हो उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट करे, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये जो अप ट्रेंड था इसका रैली यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है, डेट मींस कि आपका ये टारगेट आप ले सकते हो। इस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं। अगर आपको छोटा टारगेट चाहिए, बॉक्स का टारगेट ले लो, जिनको अल्ट्रा स्विंग करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका हाई ब्रेक करेगा देन इस कैंडल का लो SL लेना है, जो ब्रेकआउट कैंडल है। अगर यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आता है स्विंग लो का आपको SL लेके चलना है। थोड़ा सा इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके मैं बताता हूँ। देखो जब आप मंथली पे देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा इसके अंदर मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप भी है। यहाँ पे 2015 का लेवल था, इसने इसको ब्रेक करा है, और उस तरीके से अगर आप पोजिशनल व्यू से करना चाहते हो ना, आपको पता है कितना अच्छा टारगेट मिल सकता है। इस पूरे रेंज का हम टारगेट ले सकते हैं, डेट इज 60% के समथिंग, यहाँ पर शिफ्ट करके यहाँ से टारगेट ले सकते हो। तो इसमें दो सेटअप है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट सेटअप एंड एक डार्विस बॉक्स का बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया है। थर्ड जो मैंने आपके लिए लाया है ना, रत्न इंडिया, डार्विस बॉक्स का पैटर्न का सेटअप है। यहाँ पे काफी वॉल्यूम ड्राई था, अब देखोगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक वॉल्यूम बिल्डअप है यहाँ पर, और इस एक पर्टिकुलर रेंज से भी प्राइस निकला है।
तो अगर मैं डिमांड की बात करूँ ना, यहाँ से एक डिमांड आया था, इधर से एक डिमांड आया था, यहाँ से एक डिमांड आया था, ये एक सपोर्ट बेस्ड सेटअप है थोड़ा सा आप बोल सकते हो। वैसे तो सपोर्ट बेस यहाँ पे होना चाहिए, बट यहाँ पर ऊपर लेने से क्या होता है ना, कंफर्मेशन रहता है कि एक बार को ये रेजिस्टेंस टच करेगा, और मे भी क्या पता रेजिस्टेंस टच करके इसके ऊपर भी जाए, तो उस तरीके से हम प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा एक 14% का टारगेट निकल के आ रहा है, बट इसमें प्ले कैसे करना है वो जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी कैंडल है। तो अगर यहाँ पर हमें हाफ क्वांटिटी ऐड करने का मौका मिलता है तो जरूर करना है, और इस पर्टिकुलर स्विंग लो का हमें एसएल लेके चलना है। अगर यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट देता है ना जब, एंड ये हमारा पहला टारगेट होगा और इसको ब्रेकआउट देगा, देन सो ऑन सो फोर्थ एज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मल्टी टाइम फ्रेम पे दिखाओ ना, तो इसमें दिखेगा आपको, मंथली पे मैंने देखा था कि इसका एक रीटेस्ट भी था एग्जैक्टली यहाँ पर। एक अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर रेंज का, यहाँ पर ब्रेकआउट का रीटेस्ट कर रहा है ये। तो मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, बेसिकली मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ, वहाँ पे मेरे को पता चलता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखोगे 2021 का एक लेवल था, इसने यहाँ पर ब्रेक करा था, उसके बाद ये रिटेस्ट के लिए आया था, अभी ये रिटेस्ट करके आपको अच्छा दिख रहा है, राइट। ये हमारे 3 स्टॉक्स थे ऑलराइट। सो मैं इसी ऑफिशियल टेलीग्राम की बात कर रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो मॉर्निंग के टाइम पे मैंने अपडेट कर दिया था, तो ऐसे अपडेट आपको इस टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कुछ ट्रेड्स होते हैं मेरे लाइव मार्केट के अंदर, तो मैं ट्राई करता हूँ जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तो मैं इधर पोस्ट कर देता हूँ। जैसे हुडको का था, हुडको में बहुत ही अच्छा गेन मिला था। मैं एक सर्विस चलाता हूँ जो हमारा एक कम्युनिटी है, अगर उसको आपको ज्वाइन करना है, इस बायो में आकर आप इस आईडी पर इंक्वायरी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड मेक श्योर ये एक पेड कम्युनिटी है, एंड कुछ बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। आपको क्या बेनिफिट हुआ आप डेफिनेटली कमेंट में बताना, अगर आपके ट्रेडिंग लाइफ में मैंने 1% का भी चेंज लाया तो। एंड थैंक्स फॉर योर valuable time. Have a nice day, all of you.